हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग कि जो मार्च का मंथ है आप सभी के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग जो है यहाँ पर लेके आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। तो रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं 3 पाइल। पाइल नंबर 1 है आपका ये, जिसमें मैंने यहाँ चूज़ किया ब्लू लैपिस क्रिस्टल को। आप इस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए मैंने लिया है यहाँ पे रेड कॉर्नियल। आप इस क्रिस्टल को भी जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। वो पाइल नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिया है, पाइल नंबर 3 के लिए एमेथाइस्ट का क्रिस्टल। आप इस एमेथाइस्ट क्रिस्टल को भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या फिर जोन से भी कार्ड की एनर्जी आपको लग रही है यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 3 चिट बना सकते हैं जिस पर पाइल नंबर 1, 2, 3 लिख के और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप कोई एक कार्ड चूज़ कीजिएगा शफल करके जो आपको लगे, ठीक है ना, यहाँ पर, और उसके बेस पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो देखते हैं आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर, या फिर कौन से गाइडेंस इस मार्च के मंथ में आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ओके, अगर आपने इस ब्लू लैपिस क्रिस्टल को चूज़ किया था तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग या मैसेज आ रहे हैं। तो पहले हम एंजल आंसर से चेक करते हैं कि आपके लिए क्या जवाब आ रहा है यहाँ पर। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर जो आया है वो आया है यस। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आपके मन में कोई सवाल था जिसका जवाब आप चाहते थे, तो यहाँ पे एंजल की तरफ से यहाँ पर आया है आपके लिए यस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए जो आप कुछ अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है यहाँ पर वो इनक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पर आप अगर कुछ चाहते थे कि आपकी ड्रीम जॉब, शिफ्टिंग हाउस, कुछ भी जो आप प्लानिंग कर रहे थे या फिर आप चाहते थे कि वो मिरेकल आपकी लाइफ में हो, आपकी हेल्थ इशू थी वो इम्प्रूव हो सकती है यहाँ पर, तो आपके लिए जो पहला मैसेज है वो आया है यहाँ पर यस का। आप नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एंजल की तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है आपके लिए आया है वो आया होली फायर, यानी कि यहाँ पर आया है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। ये मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा। आप अपनी लाइफ में जो आप एक तरीके से कह सकती हूँ एक न्यू बर्थ होना, एक तरीके से चीज़ों को नए तरीके से देखना, पास्ट को पास्ट में रहने देना और अपनी लाइफ में आगे करना, कहीं ना कहीं लेट गो कर देना चीज़ों को, अपनी और जो हमारी जो स्नेक होता है अपनी और शेड को निकाल के छोड़ के अलग न्यू में आता है। कहीं ना कहीं आप खुद को भी एक तरीके से वैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने पुराने उस बिहेवियर को, अपनी उस पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, खुद को पुरानी को लेट गो करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक स्टेज पे हम खुद को आगे बढ़ाते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो बात करता है। सेकेंड है यहाँ पर अल्केमिस्ट। आप में से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया है वो आया है कि होता है ना काफ़ी लोग जो दूसरों को देख के दूसरों का दया, दुख, दर्द अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, तो कुछ आप में से वो लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसे लोग हीलर भी होते हैं कई बार। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए पैशन। तो इस मार्च के मंथ में आप अपने पैशन को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से आपके लिए कौन सी गाइडेंस आई है। तो यहाँ आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड नेक्स्ट है आपके लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, अगर आप अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ मैसेज जो आपके लिए आया है कि आपको अपने इस ड्रीम पे भरोसा रखना है। कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ प्लान बना के बैठे थे, आपके मन में सिर्फ आइडिया थे, कंफर्ट जोन में चले गए थे, उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहे थे, तो यहाँ पर मैसेज जो आया है वो ये है कि आपके प्लान को ना एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके लिए स्टेप लीजिए, 1 by 1 करके स्टेप करके आप आगे बढ़िए, है ना। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं आप फिक्स्ड हो गए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप में मूवमेंट नहीं आ रही है, तो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उसने उस प्लान के लिए यहाँ पर एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनने के लिए यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए
टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन से जो है यहाँ पर पाइल नंबर वन के लिए मैसेजेस ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर वन को कि मार्च के मंथ में उनके लिए कौन सी ब्लेसिंग गुड न्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर वन। ओके, तो पाइल नंबर वन जैसे कि आपके लिए एंजल कार्ड में भी यहाँ पर हमारे पास था पैशन, तो यस आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत समय से काम अटका हुआ था आपका, तो वो काम आपके अब बहुत ही जल्दी जल्दी निपटने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी वो होने लग जाएंगे। ग्रोथ है, अबंडेंस रहेगी आपके इस मार्च के मंथ में। आप जो भी करियर प्रोफाइल में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है एक तरीके से एक्सपेंशन है यहाँ पर आपके पास, ग्रोथ है यहाँ पर उस काम में। ठीक है, और हो सकता है कि आपको अपने काम के सिलसिले से रिलेटेड कहीं पर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, जॉब शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पर कि जॉब शिफ्ट हो जाना आपकी, आप चाहते थे कि आपका जो जॉब है वो शिफ्ट हो जाए। आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे कि हाँ आपको उस प्रमोशन जॉब में प्रमोशन हो जाए। कई बार ये होता है कि जॉब में प्रमोशन में इंक्रीमेंट चाहते हैं हम, वो हो जाना ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो फाइल नंबर वन के लिए और कौन सी ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, द एम्परर का कार्ड हमें यहाँ पे ये बताता है एक तरीके से कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है, मैंने कहा ना कि आप कंफर्ट सेक में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी हो सकती है कि शायद आपने अपनी लाइफ में ले आए हैं, कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क अहोलिक हो गए हो, सिर्फ काम पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी लेकर आए यहाँ पर। हाँ, हो सकता है कि हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कई बार अपने काम को फॉलो करने में, अपनी चीज़ों को, कि नहीं मुझे इस रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करना पसंद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कहूँ तो आप अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहाँ पे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत थी तो आप अपने घर में किसी फादर फिगर पर्सन से या फिर कोई ऐसा इंसान जो गाइडर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं अपने वर्क के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए। ओके, एस ऑफ कप, तो पहला मैसेज जो इस कार्ड से आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर आपके घर में कोई न्यू बर्थ हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है जिसको सुन के शायद आपको बहुत खुशी महसूस हो। एक होता है कि मन को सेटिस्फेक्शन फील होना, कंटेंट फील होना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में जो एक बॉन्डिंग है प्यार के रिलेशनशिप में वो स्ट्रांग होना, रिलेशनशिप स्ट्रांग होना आपस में, फैमिली में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग होना, ठीक है यहाँ पर। और वैसे कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो यहाँ पे, यस मैंने फर्स्ट ही कार्ड में कहा था कि साइकिक एबिलिटी इंक्रीज होना, तो यस अगेन आप उस साइकिक एबिलिटी में इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो एक जो डिवाइन लव होता है ना, आप उसे अपनी तरफ जो है यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कार्ड हमें भी बताता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एज एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर का भी कार्ड है, तो ये भी हमें बताता है कि एक अरेंज मैरिज को डिफाइन करना, एक स्पिरिचुअल लव को आपकी लाइफ में लेके आना, यहाँ पर कोई आ सकता है। नेक्स्ट है आपके लिए सेवन ऑफ कप। ये मार्च का महीना आपके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आएगा, आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस लेकर आएगा, ठीक है, एक तरीके से आपको इल्यूजन फील हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ना केयरफुल रहना है, आप वही चीज़ चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये आपकी प्रायोरिटी है और पहले आपको इसे फुलफिल करने की ज़रूरत है। अक्सर होता है ना कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते ही नहीं है, तो कुछ वैसी एनर्जी है, तो जो प्रायोरिटी हो उस पर फोकस कीजिएगा और उसके तरफ आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ फैन अगेन, नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ पर आपके लिए आ रही है, गुड न्यूज़ है जो यहाँ पर आपके लिए आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी एंटर करेगा जो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, होती है ना इमेच्योर, उसकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर आपको ना न्यू स्किल सीखने के लिए कहा जा रहा है, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने उस जॉब प्रोफाइल में, जैसे कि आप चाहते थे ना कि इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, तो न्यू स्किल, न्यू जॉब्स के बारे में आप कैसे उसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस मार्च के मंथ में, फुल ऑफ पैशनेट रहेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक आपकी यहाँ पे जो है मार्च के मंथ में आपकी जो है एनर्जी रहने वाली है,
एंड यस, मैंने कहा था आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, सिर्फ ये नहीं कि खोए रहना। देखो ये कार्ड भी वर्क करता है कि सिर्फ आप प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो बस मैं वही कहूँगी कि उस पर एक्शन भी लेना है, एक्शन ओरिएंटेड भी बनना है, ठीक है ना। तो यस, ये था पायल नंबर 1 के लिए। होप कि ये पायल नंबर 1 के रीडिंग एज अ नीट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, यानी कि इस रेड क्रिस्टल को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आया है वो आया है ट्रस्ट का। तो अगर आपने किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, किसी पर्सन के बारे में सोचा था, तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं, अपनी गट फीलिंग की सुन सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती है, क्या आपको उस पर्सन पर ट्रस्ट करना है या नहीं, ठीक है। या फिर आप कोई काम था बहुत समय से कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे मैं सोच रहा था या सोच रही थी, तो यह मैसेज जो है वह ट्रस्ट का, कि भरोसा रखिए आप खुद के ऊपर, आप जहाँ चल रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए जो और आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर ओपन योर हर्ट चक्रा। आप अपने हर्ट चक्रा को ओपन कीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप दिल ही दिल में बातों को दबा के रखते हैं, है ना, किसी के लिए कुछ सोचते हैं बट उन्हें बताते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ग्रजेस मन में लेके बैठे हुए हैं उनके लिए, तो प्लीज़ उसे लेट गो कर दीजिए, अपने हर चक्रा को ओपन कीजिए, उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर जो पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए फ्लॉक ऑफ वर्ड, जो मैसेज आपके लिए आया है यहाँ पर एंजल की तरफ से। तो इसमें जो मैसेज आपके लिए आया है ना वो आया है अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल। कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग थी वो कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रही है। कई बार होता है, देखिए हम अपनी फैमिली से या फिर हमारे जो लविंग पार्टनर्स वगैरह होते हैं जिनसे, या फिर हमारे दोस्त होते हैं जिनसे हम दूर होते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि ये सामने वाला पर्सन पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये वे वगैरह वगैरह, उनमें कई तरह की बातें चल रही होती है कि हाँ मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं। तो कहीं ना कहीं अब आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके कैसे आप उस पर्सन के बाद, जैसे कि होता है ना कि लाइक हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार हमारे बीच बहुत मतभेद लाई है, झगड़ा हो जाता है, ट्रस्ट इश्यू पैदा होती है, फैमिली को लगता है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है, तो यहाँ पर आपको अब फील होगा वो जो केयर परिवार की तरफ से मिलती थी, वो जो लविंग अफेक्शंस, वो चीज़ें आप यहाँ पर महसूस करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टू बी रिसीव। आपको यहाँ पर किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन इन टर्म ऑफ पार्टनर, इन टर्म ऑफ योर जॉब या फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट की तरफ से आप चाहते थे कि कोई आपने प्रोजेक्ट लगाया था और ऐसे कोई लीगल मैटर आपको चल रहा था और उसकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो उस टर्म में आपको यहाँ पर वो न्यूज़ रिसीव हो सकती है। फ्रूटफुल इंटरव्यूज़ एंड नेगोशिएशंस, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है या फिर आप मार्च के मंथ में कोई इंटरव्यू देंगे तो आपका वो जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, और कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन चल रही थी आपकी वो आपकी ही फेवर में होगी। एंड यस, यहाँ पर हमारे पास एक बोनस कार्ड आया था आपके लिए, तो मैं वो भी निकाल देती हूँ यहाँ पर। तो वो था, यहाँ पर हमारे पास कार्ड है वो है क्रेन। सो ये कार्ड कहता है कि इस मार्च के मंथ में आपके पास बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हो सकता है कि विनिंग लॉटरी हो आपके लिए, अगेन लॉटरी मतलब ये नहीं कि कोई खजाना निकल जाए, हो सकता है किसी केस में हो, विनिंग लॉटरी मतलब हो सकता है अक्सर कई बार अपने फैमिली से दूर होते हैं, फैमिली से मिल जाना, पुराने फ्रेंडों से मिल जाना, कोई छोटी मोटी हमारे घर में कुछ ऐसी जो चीज़ हमें बहुत खुशी दे जाए, है ना, बहुत खुशी से उन्हें सेटिस्फेक्शन दे जाए, खुश हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारी एक लॉटरी की तरह होती है कि हाँ मैंने चीज़ महसूस करी और मुझे बहुत फील अच्छा हुआ, ये वो बात हो गई। मटेरियल प्लेस इन अपकमिंग पीरियड्स, इस मार्च के मंथ में आने वाले टाइमिंग में कहीं ना कहीं आप जो मटेरियल चीज़ें थी, यानी कि आपकी फाइनेंस कंडीशन थी, वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। आपके लिए जो मैसेज है ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये तो हमने देखा, वर्किंग थ्रू योर फियर्स, आप अपने फियर्स पे, डर पे काबू पा रहे हैं और उस डर को काबू में पा के आप अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको डर था, है ना, कहीं से कि कुछ ना हो जाए, ना कहीं मैं ऐसे कर दूँ तो लोग क्या सोचेंगे, कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा, तो उस डर पे कहीं ना कहीं आप काबू पा रहे हैं और आगे निकल रहे हैं।
प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ये कार्ड ये मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोस्पेरिटी है। जिस रिलेशनशिप में आप हैं उस रिलेशनशिप में प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। जहाँ पर भी आप लोगों की जब भी हेल्प करते हैं एक तरीके से, लोगों की हेल्प करना, उनके लिए बढ़ कुछ ना कुछ करना, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है जो निखर के आती है जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं किसी के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ग्रेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर पाइल नंबर टू के लिए समाज के मत में कौन सी ब्लेसिंग गुड न्यूज अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर टू के, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर टू के लिए किसके लिए कौन सी ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्च के मंथ में आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर टू के लिए। ओके, द हाई प्रेस्टेज का कार्ड आया है। तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने सीक्रेट सभी को रिवील ना करें, आप क्या करने वाले हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड आपके लिए मैसेज आया है, डोंट रिवील योर सीक्रेट्स, ठीक है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आई डोंट बिलीव, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि सभी कि होता ना कि हम एनर्जी जो है ना हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद हो शायद वो दूसरों को ना पसंद हो, एनर्जी सब होती हैं ये, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर लाइक हीलर हो सकते हैं, है ना, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, प्रीच हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते थे तो हाँ, आप इस मार्च की मत में शायद वो कोर्स कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है कि कहीं ना आप फुल ऑफ इमोशनल रहने वाले हैं इस मार्च के मंथ में। आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ है, अबंडेंस है, ट्रूथ है, सच्चाई है जो आपके सामने यहाँ पे रिवील हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और कौन से मैसेजेस है जो यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। वो पाइल नंबर टू। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड। पेज ऑफ सॉर्ड की बात मैं यहाँ करूँ तो ये मैसेज आपके लिए आया है, कोई क्लियरली कन्फ्यूज़न थी उस कन्फ्यूज़न का ख़त्म होना, यहाँ पर जो लैक ऑफ कन्फ्यूज़न आ रही थी वो ख़त्म होगी। और यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए मेन आ रहा है वो आ रहा है कि आपको यहाँ पर नई चीज़ें नए तरीके से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई फीमेल है जिसको आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइक जिसका होता ना कि आप रोकना, इसकी नहीं सुनना, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि सुनिए, कहीं ना कहीं आप उस इंसान की, वो आपकी कोई ना कोई हेल्प कर सकती है यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उस पर्सन के पास बहुत सारी उस पर्सन में एक्सपीरियंस है। शी इज़ अ लाइक मदर फिगर हो सकती है आपके लिए, लाइक आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको आपकी लाइफ में यहाँ गाइड कर सकती है, आपको मेंटर कर सकती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपके माइंड में यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत सारी है और उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपके पास यहाँ द हाई प्रेस्टेज की एनर्जी है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग न्यूज़ आ रही है। ओके, द जजमेंट। द जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ बताता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से न्यू रीबर्थ होना, है ना। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क चल रहा था, आप चाहते थे कि आपके साथ धोखा हो रहा है और आप ना ये चाहते थे कि हाँ आपको जस्टिस मिले, तो यस आपको जस्टिस सर्व होगी, जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था और वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेगी। वो जो अंधेरा था ना वो अब ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं वो जो रेड फ्लैग चल रही थी चीज़ें वो हटेंगी और एंजल की तरफ से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेसिंग जो है यहाँ रिसीव होगी। चीज़ें जो हैं वो अब आपके फेवर में होने वाली है इस मार्च के मंथ में। जो ट्रंप है ना ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट हो रही है कि हाँ चीज़ें जो है अब आपके फेवर में होगी, जिन्होंने भी गलत किया है अब आपके लिए जो है जस्टिस सर्व होगा, आपको वो जजमेंट जो है आपके लिए होगी, वो जो न्याय है वो आपको दिया जाएगा, आपके लिए हीलिंग यहाँ हो रही है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड। कोई भी काम जो है यहाँ पर आप जल्दबाजी में ना करें, केयरफुल रहे, ठीक है ना। हो सकता है कि जल्दबाजी में आप इस घोड़े से नीचे गिर जाएँ स्पीड में, है ना, तो केयरफुल रहिएगा, ठीक है। किसी से भी यहाँ पर आप आर्गुमेंटिव ना बने इस मार्च के मंथ में, कहीं ना कहीं आप खुद का ही यहाँ पर आप काम बिगाड़ देंगे अगर आप आर्गुमेंटिव होते हैं, लोगों से बहस करते हैं। हो सकता है कि शायद आप ठीक भी हो कई बार, बट फिर भी लोगों से आर्गुमेंटिव होने से बचें। आपके अंदर बहुत एनर्जेटिक पावर है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत ही लाइक हाई स्पीड में आप बढ़ रहे हैं, इमोशंस आपके ऐसे हैं कि बस अब हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए पहले ये है कि प्लीज़ बी स्लो, आराम से चले, धीरे चले, इन टर्म ऑफ चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे फाइनेंसिस हो, उसमें हर चीज़ सोच समझ के ही आपको करना है, केयरफुल रहना है एक तरीके से।
नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और कौन से गाइडेंस है यहाँ पे जो आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल का, तो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बताता है कि इन टर्म ऑफ फाइनेंसिस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी वगैरह जो है यहाँ पर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शादी के बारे में बातें चल रही थी, प्रपोजल चाहते थे, कोई ना कुछ ऐसा था मन में, तो वो मिल सकती है, आपकी न्यूज़ आ सकती है शादियाँ, ठीक है, उस इन टर्म ऑफ मैरिज। और यहाँ पर फाइनेंस आपके काफ़ी अच्छे इम्प्रूव होंगे, स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो भी आपके फाइनेंस में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो आपके ख़त्म होंगे, ठीक है। अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी, यस प्रॉस्पेरिटी आपकी आएगी। तो यस, ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। होप कि पाइल नंबर 2 के साथ रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, यानी कि इस एमेथाइज क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो एंजल कार्ड से पहले आपके लिए मैसेज चेक करते हैं। यहाँ आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इशू है जिसके लिए आपको हेल्प की जरूरत है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, जिस पर्सन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कई कई बार मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपने ईस्ट देवता को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो ईस्ट देवता होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, ये हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स हो गए आपकी, हमारे आर्क के एंजल्स हो गए, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है आप उन्हें अपने हेल्प के लिए यहाँ पे बुलाए, मीन्स उन्हें याद करना कि उनसे प्रेयर करना कि हाँ हमें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अपने फादर से, किसी भी फैमिली मेम्बर से भी यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है गॉडेस लक्ष्मी फीट, वेरी पॉजिटिव। तो ये बात कर रहा है अबंडेंस एंड वेल्थ। मार्च का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस एंड फुल ऑफ वेल्थ रहेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगी। आप जो भी करेंगे यहाँ पर, उसमें जो है यहाँ पर माता लक्ष्मी का भी जो है आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, उनकी भी जो ब्लेसिंग है यहाँ पर आपको रिसीव हो रही है, और जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ विष्णु जी भी आपको मिल ही जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, इस मार्च के मंथ में आपकी जो वाइब रहेगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर काम को यहाँ कर रहेंगे, ऑरा विल शाइन आपकी ऑरा। जब आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, आप बिल्कुल अबंडेंस फील करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा भी जो है वहाँ ऑटोमेटिकली शाइन करेगी। आप अलग ही होते हैं ना लोगों की भीड़ में, अलग ही चमकना, कुछ ना कुछ आप वैसे ही यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स हैं वो यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अ न्यू रोमांटिक लाइफ साइकिल बिगेन। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लाइफ साइकिल रोमांटिक बिगिन हो सकती है ना, कि न्यू पर्सन की एंट्री होना, न्यू लव आना, या फिर वही रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट को भी टेस्ट किया जा रहा है, या फिर आप कोई वर्क कर रहे थे, या फिर कोई अपने जॉब में जो है यहाँ पर आपकी कमिटमेंट को चेक किया जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है, आप कितना और अच्छे से इस काम को निखार कर सकते हैं, आपकी पेशेंस लेवल को चेक किया जा रहा है आपके वर्क प्रोफाइल में, आपके जॉब में। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस जो हम देखे ओरेकल कार्ड से। अब हम देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम टैरो कार्ड से कि पाइल नंबर 3 के लिए कौन सी ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर जो है आ रही है, कौन सी गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 के लिए, उनके लिए कौन से ब्लेसिंग मैसेजेस यहाँ पर जो है आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वैन। यहाँ का आपका पहला कार्ड ही ग्रोथ का है, जैसे कि मैंने बताया था आपके इस कार्ड में भी हमने देखा था कि आपके लिए अबंडेंस एंड वेल्थ है। तो ये पाइल नंबर ये आपके जो कार्ड आया है 3 ऑफ वैन, ये बात करता है ग्रोथ के बारे में,
ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जो है अब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट मैं क्या करूं, या फिर आपने जो भी आपने अभी तक किया था, ठीक है ना, अपने वर्क प्रोफाइल में जो भी किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने कुछ नया स्टार्ट किया था, अब वो समय आ गया है कि उसको अब इकट्ठा करना, वो फ्रूटफुल रिजल्ट जो है ना अब आपके फेवर में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उसका जो वेल्थ है, उसका जो प्रॉफिट है, वो अब आपको इस मार्च के महीने में मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ एंड अबंडेंस है। और देखते हैं हम यहाँ पर कि यू नो व्हेन, वाओ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आप, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे यहाँ पर आप, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा होपफुल रहेंगे, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी अपने पैशन में होंगे। यहाँ पर कोई भी ना आपको अपने काबू में नहीं कर सकता है। ये मार्च का मंथ आपका इतना, मतलब आप इतने ज़्यादा जो है एनर्जेटिक रहेंगे, मतलब आपकी जो एनर्जी है इतनी सो फुल ऑफ हाई फायर एलिमेंट आपका जो है ना अंदर से बिल्कुल वो बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल मुझे सुनना ही नहीं किसी की, मैं जो हूँ बस मैं हूँ, मैं अपनी ही करता हूँ, मैं अपनी ही करूँगी, तो वैसी आपकी यहाँ एनर्जी रहेगी। कोई भी ना आपको यहाँ पर टेम नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपकी वैसे फुल ऑफ वाइब रहेगी। क्या ना मैंने कि आपकी ऑरा जो है शाइन करेगी, जब मैसेज आपके लिए आया था तो यस वही ऑरा यहाँ पर आपकी शाइन कर रही है लोगों के बीच में, वो आपका क्रिस्मेटिक सा जो आपका नेचर है वो निखर कर आना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि लोगों पर प्रभाव डालेगी, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपकी जो इस मार्च के मंथ में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, यहाँ पर गाइड करेंगे, यहाँ पर वैसी एनर्जी आपकी रहेगी, लाइक एक अथॉरिटी फिगर है ना आपका कि हाँ मेरे पास पावर है, मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ, यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। पाइल नंबर 3, चलिए और देखते हैं और कौन से गाइड मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 पेज ऑफ कप, ओके, तो पाइल नंबर 3 थोड़े से इमोशनल टर्बुलेंस रहेंगे यहाँ पर आपके, बट आपको वैसे कहा ना मैंने कि आप बहुत ही फायरी एनर्जी में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे निकल ही जाएंगे, आप उसको यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए आया है वो आया है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप लव में, लाइक आपके लिए कार्ड में मैसेज भी आया था कि न्यू लाइफ रोमांटिक लव से क्लब के लिए बिगिन हो रहा है, तो यस वो न्यू लाइफ आपके लिए यहाँ बिगिन हो रहा है, ठीक है ना, ये कार्ड उस बात को यहाँ पर प्रूव कर दे रहा है कि यस आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुल ऑफ इमोशन रहेंगे, बहुत पैशनेट रहेंगे उस पर्सन के लिए, लाइक एक अफेक्शन केयरिंग सा कनेक्शन जो है यहाँ पर आप उस पर्सन के लिए यहाँ पर महसूस करेंगे, ठीक है ना, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए आया है 10 of Pentacles, अगेन वेल्थ है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है ना, हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज भी है, कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की हेरिटेंस को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके परिवार में आपके साथ कभी कोई धोखा हुआ था तो उसका यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस का साइन है, उस फेवर में आपको यहाँ जस्टिस मिल सकता है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ये मंथ आपका काफ़ी स्टेबल रहेगा, आप काफ़ी फैमिली के साथ से बता सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप जो है यहाँ पर एंटर होगा, एक ऐसे इंसान शादी होना जो बहुत ही कमिटेड होगा, लविंग होगा, इन टर्म ऑफ मटेरियल वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी यहाँ पर रहेगा, आपको जो पर्सन होगा जिससे भी यहाँ पर आपकी अगर शादी की बात चल रही है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने घर में पेट लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू बेबी है, न्यू बेबी मीन्स यहाँ पे नए बच्चे का जन्म हो सकता है, मे बी यहाँ इट्स अ बॉय, एक बॉय की एनर्जी ज़्यादा वाइब दे रहा है, इट कुड बी अ बॉय, एक लड़का हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे लग रहा है कि अपने घर वापस लौट के आ रहे हैं, आप कोई अटेंड करना है, कोई फैमिली कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए। ओके, लेट्स सी और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है जजमेंट का। ओके, तो मैंने कहा ना आपके लिए यहाँ जस्टिस सर्व हो रहा है, किसी ने फैमिली में आपका कुछ बुरा किया था तो उसको उसका करना मिलेगा, साथ साथ आपके लिए यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, आपने बहुत समय से इंतज़ार किया था तो यस उसकी अनाउंसमेंट अब आपके फेवर में यहाँ हो गई है, वो चीज़ अब आपको मिलेगी, एंजल्स आपको साथ रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, वो जो चैलेंजेस है आपकी लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो कहीं ना कहीं उसे पार करके आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है ना, ये जो इमोशंस है ना आपने अपने इस इमोशंस पे काबू पा लिया है,
ये मंत्र बता रहा है और आपकी जो एंजल्स है वो आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हाँ लाइक नाउ इट्स योर टाइम, ये आपका समय आ गया है, अब चीज़ें आपके फेवर में होगी, ये आपका ही समय है। तो ये मार्च का मंथ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, होपफुल रहेगा। आप यहाँ पर जो भी करेंगे चीज़ें आपके फेवर में होंगी, क्योंकि आपके जो ईस्ट देवता है या फिर आपको जो भी गॉड है जिसे भी आप मानते हैं वो आपकी तरफ है। तो हो पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग थी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।